चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। रक्षाबंधन की परंपरा। एक धागे के कारण बची थी विश्व विजेता सिकंदर की जान, आखिर क्या था उस जादुई धागे में? नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है और मेरी तरफ से आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। उत्तरी भारत में यह त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है। इस दिन बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती है। रक्षाबंधन का उल्लेख हमारी पौराणिक कथाओं व महाभारत में भी मिलता है। जानकारों की माने तो रक्षाबंधन का त्यौहार काफ़ी पुराना है। इसका इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से भी जुड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रक्षाबंधन की परंपरा उन बहनों ने डाली थी जो सगी नहीं थी। भले ही उन बहनों ने अपने संरक्षण के लिए इस पर्व की शुरुआत क्यों न की हो, लेकिन उसकी बदौलत आज भी इस त्यौहार की मान्यता बरकरार है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसका इतिहास करीब 6000 साल पुराना है। रक्षाबंधन की शुरुआत सबसे पहला साक्ष्य रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं का है। मध्यकालीन युग में राजपूत और मुसलमानों के बीच संघर्ष चल रहा था। तब चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए कोई रास्ता ना निकलता देख हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने उनकी रक्षा कर उन्हें अपनी बहन माना था। रक्षाबंधन का दूसरा इतिहास भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से भी जुड़ा है। इससे तो आप सभी परिचित होंगे ही। जब कृष्ण भगवान ने राजा शिशुपाल को मारा था तो युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बह रहा था। इसे देखकर द्रौपदी बेहद दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीरकर उंगली में बांध दिया। तभी से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया। द्रौपदी को बहन मानने की वजह से ही भगवान कृष्ण ने अपनी बहन की रक्षा उस समय की जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे और भरी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था। तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। एक साक्ष्य अलेक्जेंडर और पूरी के बीच भी आता है। भले ही उन बहनों ने अपने संरक्षण के लिए इस पर्व की शुरुआत क्यों न की हो, लेकिन उसी बदौलत आज भी इस त्योहार की मान्यता बरकरार है। भाइयों को अपनी कलाई में रक्षा का धागा या राखी बांधने का बेसब्री से इंतजार रहता है। वही देश में ही नहीं विदेशों में भी बसे भाइयों को भी इंतजार होता है कि उनकी बहनें राखी भेजेंगी। वैसे तो राखी बहनें भाई को ही बांधती है, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा भी अपने बड़ों को भी बांधी जाती है। जैसे पुत्री द्वारा पिता को, कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन का मतलब रक्षा करना है, तो ये जरूरी नहीं कि रक्षा सिर्फ भाई ही करे, कोई भी कर सकता है। तभी तो कितनी ही महिलाएं हमारे सैनिकों को राखी भेजती हैं ताकि वो हमारी और हमारे देश की रक्षा कर सके। तो ये था राखी का पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।